ਲਲਾ ਕੀ ਪੈ ਜਨੀਆ ਬਾਜਰੀ ਲਲਾ ਕੀ ਪੈ ਜਨੀਆ ਬਾਜਰੀ ਲਲਾ ਕੀ ਪੈ ਜਨੀਆ ਬਾਜਰੀ ਚੁਮ ਚੁਮ ਛਨਾ ਚੁਮ ਚੁਮ ਛਨਾ ਚੁਮ ਚੁਮ ਛਨਾ ਚੁਮ ਚੁਮ ਛਨਾ ਪੈ ਜਨੀਆ ਬਾਜਰੀ ਲਲਾ ਕੀ ਪੈ ਜਨੀਆ ਬਾਜਰੀ ਲਲਾ ਕੀ ਪੈ ਜਨੀਆ ਬਾਜਰੀ ਲਲਾ ਕੀ ਪੈ ਜਨੀਆ ਬਾ ਗੁਲੀਆ ਸ਼ਾਮ ਬਦਨੀ ਪੀਤੇ ਜਗੁਲੀਆ ਦੇਖੀ ਯਸੋਦਾ ਕਾ ਭਾਵ ਸ਼ਾਮ ਬਦਨ ਪੇ ਪੀਤ ਜਗੁਲੀਆ ਸ਼ਾਮ ਬਦਨ ਪੇ ਪੀਤ ਜਗੁਲੀਆ ਸਿਰ ਟੋਪੀ ਲਟਕਨੀਆ ਲਲਾ ਕੀ ਪੈ ਜਨੀਆ ਬਾਜਰੀ ਲਲਾ ਕੀ ਪੈ ਜਨੀਆ ਬਾਜਰੀ ਲਲਾ ਕੀ ਸੁਤ ਕੋ ਚਲਨ ਸਿਖਾਵਤ ਯਸੁਮਤ ਸੁਤਿ ਕੋ ਚਲਨ ਸਿਖਾਵਤ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਤੋ ਜਨੀਆ ਲਲਾ ਕੀ ਪੈ ਜਨੀਆ ਬਾਜਰੀ ਲਲਾ ਕੀ ਪੈ ਜਨੀਆ ਬਾਜਰੀ ਲਲਾ ਕੀ ਪੈ ਚੁਮ ਚੁਮ ਛਨਾ ਚੁਮ ਚੁਮ ਛਨਾ ਚੁਮ ਚੁਮ ਛਨਾ ਚੁਮ ਚੁਮ ਛਨਾ ਜਨੀਆ ਬਾਜਰੀ ਲਲਾ ਕੀ ਪੈ ਜਨੀਆ ਬਾਜਰੀ ਲਲਾ ਕੀ ਪੈ ਜਨੀਆ ਬਾਜਰੀ ਸੇ ਬੇਦ ਨਿਸਤਰਿਤ ਹੋਤਾ ਅਬ ਕਿਨਕੇ ਕਿਨਕੇ ਕਾਨ ਮੇ ਪੜੀ ਵੋ ਪੈਜਨੀਆ ਔਰ ਜਿਨਕੇ ਕਾਨ ਮੇ ਪੈਜਨੀਆ ਪੜੀ ਵੋ ਯਸੋਦਾ ਕੇ ਪਾਸ ਮੇ ਉਲਹਿਨਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਬੜੇ ਹੋਏ ਤੋ ਪੈਜਨੀਆ ਬਜਨੇ ਲਗੀ ਚਲਨੇ ਫਿਰਨੇ ਲਗੇ ਉਲਹਿਨਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਵਤਸਾਨ ਮੁੰਚਨ ਕੁਚਿਤ ਸਮੇ ਕੋਸ ਸੰਜਾਤ ਖਾਸਾ ਅਰੀ ਯਸੋਦਾ ਦੇਖ ਮਨਾ ਕਰ ਲੇ ਮਨਾ ਕਰ ਲੇ ਬੜਾ ਢੀਟ ਹੈ ਬੜਾ ਢੀਟ ਹੈ ਅਸਮੇ ਮੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਬਛੜੇ ਖੋਲ ਦੇਤਾ ਹੈ ਜਬ ਗਾਏ ਖੇਤ ਸੇ ਚਰ ਕੇ ਆਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਗਾਏ ਕੋ ਬਾਂਧ ਕੇ ਸਾਨੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਬ ਦੋਹਨੀ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਉਸੀ ਬੀਚ ਮੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਛੜੇ ਖੋਲ ਦੇਤਾ ਹੈ ਜਬ ਹਮ ਦੋਹਨੀ ਲੈ ਕੇ ਗਾਏ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਏ ਫਟਾਫਟ ਲਾਤ ਮਾਰਤੀ ਹੈ ਅਰੇ ਯਸੋਦਾ ਜਬ ਹਮ ਇਸਕੋ ਡਾਂਟਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਤਨਾ ਢੀਟ ਹੈ ਹਸਤਾ ਹੈ ਹਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਥ ਮੇ ਸਾਥ ਮੇ ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਮੇ ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਕੋ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਠੇਂਗਾ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਬ੍ਰਜ ਕੇ ਰਸਿਕ ਕਹਤੇ ਹੈ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾਏ ਰਸ ਲੈ ਗਯੋ ਰੀ ਮੋਹਨ ਮੁਰਲੀ ਵਾਰੋ ਮੋਹਨ ਮੁਰਲੀ ਵਾਰੋ ਮੋਹਨ ਮੁਰਲੀ ਵਾਰੋ ਕਾਨਾ ਬੰਸੀ ਵਾਰੋ
मना कर ले यदि तू नहीं मना करेगी तो देख हम गारी देंगी। सूरदास जी का पद है, यशोदा के भाव है। जैसे गोपियों ने कहा हम गारी देंगी, यशोदा का हृदय भर आया। यशोदा ने कहा गारी मत दीजो बहना, गारी मत दीजो, ये मोगरी बोनी को जायो है, गारी मत दीजो बहना, गारी मत दीजो, ये मोगरी बोनी को जायो है, गारी मत दी। जाको जितो खायो सो तो मोसो आन लीजे भी, जिसका जितना नुकसान हुआ हो उसका चार गुना ले। जाको जितो खायो सो तो मोसो आन लीजो वीर। अरे मैंने काहू पातन को नाही तरसायो री, गारी मत दीजो बहना, गारी मत दीजो, ये मोगरी बुनी को जायो है, गारी मत। गोपियों ने कहा ठीक है, नेक मना कर ले यशोदा, अच्छी बात नहीं है। भगवान की मंडली बन गई, चोर जार शिखामणि है, विष्णु सहस्त्र नाम में इनका नाम है, चोरों के सरदार, और सरदार बन गए मृत्युलोक में आके, टोली बना ली। और महाराज माखन चोरी के लिए भगवान चल पड़ते हैं, गोपियां उलहना लेकर के फिर दौड़ पड़ती हैं। ये माखन है क्या? माखन, माख माने क्रोध, ना माने नहीं। जिन गोपियों के चित्त में क्रोध नहीं था उन गोपियों के चित्त को भगवान श्याम सुंदर ने चुराया, इसी का नाम है माखन चोरी। गोपियों ने भाव भी कहा, मन माखन मेरो चुराए गयो रे प्यारो प्यारो। जब श्याम सुंदर ने चित्त को चुरा लिया तो बिना श्याम सुंदर के अब चित्त लगता ही नहीं, तो करें क्या? अब कोई ना कोई तो बहाना चाहिए दर्शन करने का, एक झलक मिल जाए। और भगवान का दर्शन पाने के लिए वो गोपियां उलहना लेकर पहुंच जाती थी, चलो इसी बहाने दर्शन तक होता। एक गोपी पहुंच गई झुंड लेकर के, मरकान भोक्षत विभयति चेनाति भांडम भिनत्ति। अरे मैया चलो खाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, खुद खाए, ग्वालों को खिलाए, कोई दिक्कत नहीं, पर ये बानरों को भी खिला देता है। बानर कहां थे आ गए? तो जो देवता त्रेता में बानर भये, वही देवता द्वापर में भये ग्वाल, वही देवता द्वापर में ग्वाल बाल बने भगवान की सेवा के लिए। मरकान भोक्षण, चलो बंदरों को खिला दे कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम हमारे बर्तन तो छोड़ दे। अजिया सास के जमाने की मटकी थी जिसमें माखन रखती थी, और एक यशोदा आज तेरे लाला ने मेरे आंखों के सामने जब उस मटकी को पटका और वो मटकी फूटी, मुझे लगा कि मेरी अजिया सास आज ही गई है। देखिए तो यशोदा ये ठीक नहीं है। यशोदा भगवान को समझाती, अरे दारी के चोरी करना एक खानदानी लोगों का काम नहीं है। अरे माखन की चोरी छोड़ सामरे मैं समझाऊं तो। यशोदा कहती तेरी बड़े घर में सगाई हो गई, रोज चर्चा होती है, तेरी शादी नहीं होगी, तेरा ब्याह नहीं होगा। भगवान कहते मैया कान खोल के सुन ले, ये चोरी नहीं छोड़ू मेरी मैया, होनी होए सो हो, जो होना होगा देखा जाएगा, पर ये चित्त वाली चोरी मैं नहीं छोड़ सकता।
भगवान ने माखन के व्याज में उन गोपियों के चित्त को चुराया। नाना प्रकार से गोपियां उलहना लेकर के आती हैं। सोदा ने कहा देखो रंगे हाथ पकड़ के लाना। एक दिन उन गोपियों ने योजना बनाई और चौराहे पर एक घंटा बांध दिया। उस घंटे से एक एक रस्सी अपने अपने जहां मक्खन रखा था छींकों में वहां बांध दिया कि ताकि मक्खन में हाथ लगाएंगे घंटा बजेगा फिर हम पकड़ लेंगी, फिर ये सोदा को रंगे हाथ लेकर के जाएंगी। ऐसे भगवान जैसे पहुंचे और भगवान ने चौराहे पर घंटे पर निगाह डाली, घंटे से कहा खबरदार आज यदि बजा तो सारे मंदिरों से बाहर तुझे कर दूंगा। रोज सुबह शाम बजते रहते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर खबरदार आज नहीं बजना। अब राम रजाई सी सभी के परमात्मा के आदेश का कौन पालन नहीं करता, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। घंटा साइलेंट हो गया। भगवान गए चोरी करके और माखन की चोरी करके जैसे चलने लगे चौराहे में आए, घंटे से कहा बज। वो घंटा टन 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 की आवाज में बजने लगा। सारी गोपियां अपने अपने घर पर दौड़ती हैं पर वहां माखन की मटकी भी खाली है और कन्हैया का पता भी नहीं है। महाराज नाना प्रकार से भगवान माखन की चोरी करके सबको आनंदित करते हैं। ब्रज के रसिक कहते थे भगवान जाते नहीं थे, ये गोपियां बुलाती थी। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। दर्शन की प्यासी गुजरी।
एकदा गृहदासी सुयशोदानंद गेहिनी करमंत नियुक्ता सुनिर्मंथम स्वयं दधि। पद्मगंधा, मधुगंधा, नीलगंधा, ये गायों के नाम थे। इनका दूध केवल भगवान के लिए था, बिना मिश्री के मीठा था, बिना मिष्ठान के मीठा था। पद्मगंधा गाय के दूध को, उसका जो माखन था, माखन भगवान श्याम सुंदर को खिलाया और खिलाने के बाद गोदी में ले लिया। गोदी में लेने के बाद भगवान श्याम सुंदर पूछने लगे, मैया सच बताना तो को दूध प्यारो है या पूत प्यारो है। यशोदा ने कहा, धारी के मोको तो मेरो पूत प्यारो है। इतने पर पद्मगंधा गाय का दूध जो आग में पक रहा था, उसने जब सुना कि यशोदा जैसे भक्त के हृदय में भी हमारा कोई स्थान नहीं है, तो ब्रज में आना हमारा निरर्थक हो गया। अपने को निरर्थक समझकर वो आग में उफंदने लगा। यशोदा ने आओ देखा ना ताव देखा, बालकृष्णलाल को धड़ाम दे नीचे छोड़ दिया और दूध को संवारने चली गई। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, वारी मैया, तू भी संसारियों की तरह डबल रोल करती है। अभी कहती थी पूत प्यारो पूत प्यारो, पूत को फेंक के और दूध संवारने चली गई। वो जा दूध के कारण मेरी मैया मुझको प्रेम ना करे, या दूध को नंद महल के अंदर नहीं रहने दूंगो। भगवान ने संकल्प किया, संकल्प से सारे दूध दही के बर्तन फूट गए। आज नंद महल क्षीर सिंधु बन गया। यशोदा ने जब इतना बड़ा नुकसान देखा, यशोदा के हृदय में रोष आ गया, छड़ी उठा ली, भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ी। आगे सुंदर श्याम जू, पीछे यशुमती माय, अरे दामिन जो दौड़ी फिरे लाल हाथ नहीं आ। सज्जू के भक्तों की कसम, रुक जा माधव, माधव मत दौड़, मत दौड़। भगवान का एक नाम ही पड़ गया, माधव। सज्जू के भक्तों की कसम रुक जा, त्रेता के भक्तों की रुक जा, द्वापर के भक्तों की कसम रुक जा। जब कलयुग के भक्तों की कसम खिलाई, भगवान वही खड़े हो गए, क्योंकि नाम की महिमा कलयुग में है और भगवान नाम से बंध जाते हैं। कलयुग में प्रेम की प्रधानता है। बंध गया मुझसे जाति न छोरी, मित्र अद्भुत है ये प्रेम डो। भक्ति सूत्रों उपलब्धा, आप बांधना चाहो तो बांध लो, रस्सी बना लो। भगवान ने तो देके भेजी है, पर हमने एक एक धागा इधर उधर कर दिए। सुंदरकांड में जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडो। बांध लो, भगवान बंधने के लिए तैयार है। यशोदा ने पकड़ लिया, भगवान को उखल में बांध दिया। दामोदर लीला, दाम माने रस्सी, उधर माने पेट, पेट से रस्सी लपेट करके उखल में बांध दिया। आज भगवान बंधे भी हैं तो किसी को मुक्त करना है। नलकूबर मणिग्रीव, नारद जी के श्राप से नंद महल के वृक्ष बने थे, आज भगवान ने उनका उद्धार किया। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और साथ में कहा, नाथ यदि हमें देना, आपसे हमें कोई लेना देना नहीं है, आपके संतों का दर्शन दे देना, क्योंकि यदि संतों का दर्शन हो गया तो आपके दर्शन का कन्फर्म टिकट मिल जाता है। यदि नारद जैसे महापुरुष का दर्शन नहीं होता तो आज हम कहां आपका दर्शन कर पाते। भगवान ने उनके ऊपर कृपा करी। इधर महाराज दौड़े दौड़े सब लोग गए, देखा तो दोनों पेड़ों के बीच में सुट्टी मार के बैठे थे। यशोदा की हिम्मत नहीं हुई कि मैं उठा लूं। नंद बाबा ने भगवान श्याम सुंदर को उठाया और उठा के कहा, यह यशोदा के पास नहीं रहना, चलो। नंद महल से बाहर लेकर के बैठ गए। थोड़ी देर में भगवान ने कहा, बाबा मैं तो दूध पीऊंगो। नंद बाबा ने कहा, मनसुख जा गैया का दूध लेके आए। भगवान ने कहा, बाबा मैं गैया को दूध नहीं पीऊंगो, मैं तो मैया को दूध पीऊंगो।
नंद बाबा ने कहा धारी के तेरी मैया ने तेरे साथ पैसा पता है कितना दुर्व्यवहार किया, यदि पेड़ तेरे ऊपर गिरते तो क्या होता। भगवान मुस्कुराते हुए कहते बाबा आखिर मैया ही तो दूध पिवावेगी, तू थोड़ा पिवावेगो। संसार में आप सभी प्रार्थना करते हैं भगवती से, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो प्रार्थना में लिखा कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए पर माता कभी कुमाता नहीं होती। पर भगवान ने यह दिखा दिया कि माता भले ही कुमाता हो जाए पर पुत्र को कभी कुपुत्र नहीं होना चाहिए। ये लीला है लोक शिक्षा के लिए, लोक शिक्षा के लिए भगवान ने लिया। अगले क्रम में फल बेचने वाली आ गई। कौन है ये? सारे संसार को फल भगवान देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते कर्म करो फल देना तो मेरा काम है, पर परमात्मा को फल देने के लिए आ गई। कौन है ये? ये रामावतार वही निषाद राजगुरु की माँ है। जब 14 वर्ष पश्चात भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अयोध्या के लिए वापस आ रहे थे और वो टोकरी में लेके बैठी थी नाथ स्वीकार करें, रघुनाथ जी ने कहा नहीं मां अभी मैं आपके फलों को स्वीकार नहीं कर सकता। बीते अवधि जाऊं जो जियत न पावूं वीर, मेरा भरत मेरा इंतजार कर रहा है, मेरो पल पल युग समझ आए भैया भरत के बिना, अरे मेरी बिगड़ी कौन बनाए भैया भरत के बिना। माँ मैं आपके फलों को द्वापर में स्वीकार करूंगा। आज वही फल बेचने वाली आ गई। ले लो फल कोई मीठे मीठे आई फल बेचन वारी, ले लो फल कोई मीठे मीठे आई फल बेचन वारी, 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 ले लो फल कोई मीठे मीठे आई फल बेचन, फल बेचने वाली ने कहा एक बात तो मुझे मैया कह दे मैं तुझे फल दे देती हूँ। भगवान ने वहां को मैया कहो और उसने भगवान के झोली में फल डाल दियो। भगवान फल लेकर के जैसे अंदर पहुंचे यशोदा ने देखा दारी के अभी तक तो माखन की चोरी करता था, अब ये नई चोरी शुरू कर दी क्या? नहीं मैया मैंने चोरी नहीं किया, एक मैया आई है दरवाजे में बैठी है, वाने मोते कहो कि मुझे मैया कह दे। मैंने वा को मैया कह दियो और वाने इतने फल दे दियो। यशोदा ने मीठी सी फटकार लगाई दारी की कितनी मैया बनाएगो मेरो क्या होएगो। और देख कन्हैया किसी की वस्तु हराम की नहीं खानी चाहिए। भगवान ने लीला में ये हमें शिक्षा दी यशोदा के माध्यम से। एक कुछ दे के लेना चाहिए जा, दोनों मुट्ठी में भगवान ने अनाज भरा और ले जाकर के जैसे उसके टोकरी में डाला। फलई पूरे यतनत नहीं फल भांडम अपूरी जा,